दोस्तों, आज मैं आपको सोयाबीन के कुछ फ़ायदे बताने वाली हूँ। आप देख रहे हैं, मैंने इस एक बड़े बोल में सोयाबीन लिया है। आप चाहें तो ये सोयाबीन के दाने को आप पिसवा के इसका आटा भी तैयार कर सकते हैं, और जो हमारे गेहूं का आटा होता है जिससे हम चपातियाँ बनाते हैं उसमें आप मिक्स भी कर सकते हैं। इस तरह से हमारी रोटी में थोड़ा बहुत सोयाबीन रोज ही थोड़ी बहुत मात्रा में आएगा। या आप चाहें तो सोयाबीन को स्प्राउट करके भी खा सकते हैं। आपको मैं इस तरह से दिखा रही हूँ कि इसे स्प्राउट किस तरह से करें। तो मैंने इसे पानी में भिगा कर रखा था 12 घंटे के लिए। 10 से 12 घंटे के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, सोयाबीन के दाने बहुत अच्छी तरह से पानी में फूल चुके हैं। इसके बाद दोस्तों हमें इसे स्प्राउट करना है। आप किसी भी रूप में सोयाबीन ज़रूर लें। सोयाबीन में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है और बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, खासकर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, थायमीन, बहुत सी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं दोस्तों। और प्रोटीन के कारण दोस्तों ये हमें बहुत सी बीमारियों से भी बचाता है। तो आप चाहे तो इसका पाउडर बना के आप इसका आटे के रूप में डालकर चपाती में यूज़ करें, या आप इसे स्प्राउट करके सलाद में डालकर खाएं, या आप इस सोयाबीन के दाने की सब्ज़ी भी बना सकते हैं। मार्केट में सोयाबीन की बड़ियाँ आती हैं, आपने देखा होगा न्यूट्रीला के नाम से, तो आप सोयाबीन की बड़ी के रूप में खा सकते हैं। मार्केट में सोया मिल्क भी आता है, तो आप किसी ना किसी रूप में सोयाबीन का सेवन करते रहें। इसी तरह आपने देखा होगा जैसे हम पनीर खाते हैं, सोया पनीर आता है, ज़रूर हमें खाना चाहिए दोस्तों। खासकर हार्ट पेशेंट को तो सोयाबीन ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। इसलिए हार्ट पेशेंट के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, और जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए तो ये वरदान है दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं और ये हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इसलिए शुगर पेशेंट को सोयाबीन ज़रूर खाना चाहिए। अब मैंने इसे स्प्राउट करने रख दिया है दोस्तों, तो मैं इसी तरह से हमेशा स्प्राउट करती रहती हूँ, हर 8-10 दिन में एक बार। अब आप देख रहे होंगे छोटे छोटे से इसमें स्प्राउट्स आने लगे हैं सोयाबीन में। अभी इसे मैंने सिर्फ 12 घंटे ही पोटली में दबा कर रखा था, कपड़े की पोटली में। और यदि आप सोयाबीन के थोड़े से बड़े स्प्राउट चाहते हैं दोस्तों, तो इसे हम वापस इसी कपड़े में लपेट कर रखेंगे 8 से 10 घंटे के लिए। कपड़े को थोड़ी देर के बाद आप गीला ज़रूर करते रहें। यदि समर सीज़न है तो 2 से 3 बार इसमें पानी के छींटे दें कपड़े में, और ठंड का मौसम है तो एक बार दें तो भी कपड़ा गीला रहता है। तो अगर हम इसे दोबारा रखेंगे तो इसके स्प्राउट और भी बड़े हो जाएंगे। तो आप किसी ना किसी रूप में सोयाबीन ज़रूर खाएँ। आप डेली ना खाएं, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप डेली सोयाबीन को लें। हमें सप्ताह में कम से कम 3 बार सोयाबीन खाना चाहिए, चाहे सब्जी के रूप में, चाहे हम गेहूं के आटे में मिक्स करके रोटी के रूप में लें, या सोया मिल्क के रूप में लें, या सोया पनीर के रूप में लें। कई तरीके हैं सोयाबीन को खाने के। इसके अलावा दोस्तों सोयाबीन के दाने जो बाज़ार में मिलते हैं, आप उसे बहुत आसानी से घर पर सेक भी सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, कुरकुरे क्रिस्पी से हो जाते हैं। तो आप किसी ना किसी रूप में थोड़ी मात्रा में सोयाबीन ज़रूर लेते रहें दोस्तों। सबसे ख़तरनाक बीमारी जो कैंसर है, कैंसर से हमें ये बचाता है सोयाबीन। तो दोस्तों इसमें इतनी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, और सबसे ज़्यादा होता है इसमें कैल्शियम। 45 से 50 ईयर्स की जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी लेडीज़ हैं, इन्हें तो ये ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें कैल्शियम होता है कि 50 ईयर्स के बाद हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है। इसलिए हर महिला को सोयाबीन का यूज़ ज़रूर करना चाहिए, ताकि हमारे शरीर में जो ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है वो बिल्कुल ही दूर हो जाए। अब आपने देखा मेरे सोयाबीन के सभी दाने बहुत अच्छी तरह से स्प्राउट हो चुके हैं। तो इसी तरह मैं बीच बीच में स्प्राउट करती हूँ, और सलाद में कुछ दाने 2 से 4 चम्मच डेली मैं डालती हूँ। इन स्प्राउट किए हुए दाने को आप फ्रीज में रख दें, और कम से कम 4 से 5 दिन तक आप इसे फ्रेश इसी तरह से रख सकते हैं। आप इसका आटा भी चक्की में पिसवा सकते हैं, मार्केट में इसका पिसा हुआ आटा भी मिलता है। तो किसी न किसी रूप में अपनी डाइट में सोयाबीन को आप ज़रूर शामिल करें। सोयाबीन हमें बहुत सी बीमारियों से बचाता है, हमें हेल्दी रखता है, और जो लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं वो भी सोयाबीन ले सकते हैं।